भारतीय संविधान के तहत पिछले लेक्चर में प्रियम्बल या उद्देशिका के बारे में आपको बताया जा रहा था। उद्देशिका के बारे में आपको सामान्य बातें बताई जा रही थी। अब आपका उद्देशिका के बारे में विद्वानों का क्या कथन है और न्यायाधीशों का क्या कथन है, ये हमें जानना है। फिर उसके बाद केस वाइज हम चलेंगे और तब प्रियम्बल शुरू किया जाएगा। जहाँ तक विद्वानों के कथन की बात है, उद्देशिका के बारे में कौन विद्वान और कौन न्यायाधीश क्या कहता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले देखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को क्या कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की सोल यानी कि संविधान की आत्मा कहा था। ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की कहा था। फिर जस्टिस हिदायतुल्ला यानी कि न्याय मूर्ति हिदायतुल्ला, न्याय मूर्ति हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी भारत के संविधान के प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तत्पश्चात अनेक विद्वानों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। आइए देखा जाए ठाकुर दास भार्गव के अनुसार, ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं, यानी कि ठाकुर दास भार्गव उद्देशिका के बारे में क्या कहते हैं, तो ठाकुर दास भार्गव ने हमारे संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा तथा कुंजी कहा है। यानी कि इनका मानना है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, आत्मा तथा कुंजी है। ये भी आपका पूछ सकता है आत्मा तथा कुंजी किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। तत्पश्चात के एम मुंशी के अनुसार, के एम मुंशी ने भी उद्देशिका के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा है, तो के मुंशी ने ये कहा कि जो प्रियम्बल हैं ये राजनैतिक जन्म कुंडली हैं, राजनैतिक जन्म कुंडली ये कहते हैं, यानी कि उद्देशिका राजनैतिक जन्म कुंडली हैं, ये कहते हैं के एम मुंशी। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है वह देखा जाए आपका, और वह पूछा जाता है आपका अर्नेस्ट बाकर के अनुसार, यानी कि अर्नेस्ट बाकर भी प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल को लेकर कुछ बातें बताते हैं। आइए देखा जाए अर्नेस्ट बाकर क्या कहते हैं। अर्नेस्ट बाकर ने भी संविधान की उद्देशिका के बारे में यह कहा कि यह वृद्धावस्था का प्रलेख है, यानी कि वृद्धावस्था का प्रलेख है। यानी कि अर्नेस्ट बाकर ने भारतीय संविधान की
उद्देशिका को वृद्धावस्था का प्रलेख माना, डॉक्यूमेंट माना। इसका मतलब ये हुआ प्रलेख, इसका मतलब ये हुआ कि अर्नेस्ट बाकर ये कहते हैं कि ये बुजुर्ग लोगों द्वारा बनाया गया एक दस्तावेज है, यानी कि नए लोगों द्वारा नहीं बुजुर्ग लोगों द्वारा। तो ये भी इनका कहना सही भी है, क्योंकि संविधान सभा में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग कह सकते हैं कि बुजुर्ग ही थे, अनुभवी थे, और अपने अनुभव के आधार पर इन लोगों ने संविधान की रचना की। तत्पश्चात प्रियम्बल के बारे में जो कोटेशन था आपको वह बताया गया। अब आपको दूसरे एंगल से देखना है, और वह जो एंगल देखना है प्रियम्बल पर केस कौन कौन सा है, यानी कि किस केस में क्या क्या बताया गया। तो कल दो केस आपको बताया गया था प्रियम्बल के बारे में, वह दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। पहला बताया गया था आपका जो केस था, वह बताया गया था इनरी बेरुबारी का मामला, इनरी बेरुबारी का मामला बताया गया था। और फिर आपका जो दूसरा बताया गया था केशवानंद भारती का मामला, कल हम बताए थे पिछले लेक्चर में। अब किस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कह सकते हैं उन केसों को एक एक करके देखना है। पहला केस हम लेते हैं, वाद के माध्यम से चला जाएगा। पहला हम केस लेते हैं आपका भारत संघ बनाम मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मदन गोपाल, यानी कि भारत संघ वर्सेज मदन गोपाल। भारत संघ वर्सेज मदन गोपाल 1954 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने शुरुआती दौर में ही ये बता दिया कि उद्देशिका को अर्थात प्रियम्बल को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात उद्देशिका को न्यायालय में इनफोर्स नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये सर्वप्रथम भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ वर्सेज मदन गोपाल के वाद में बता दिया। तत्पश्चात आपका जो दूसरा केस आता है वह इनरी बेरुबारी, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है इनरी बेरुबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1960 ईस्वी में देखिए क्या क्या बातें बताई। यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सतर्क रहना है। पहली बात, उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि पहली बार ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था इस केस में कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यानी कि संविधान का भाग है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा इस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि उद्देशिका संविधान का पार्ट नहीं है, अर्थात संविधान का भाग नहीं है। दूसरी बात जो इस केस में महत्वपूर्ण बताई गई वह ये बताई गई, और वहीं आपका जानना भी है कि उद्देशिका संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यानी कि जो प्रियम्बल हैं ये संविधान के निर्माताओं के
यानी कि संविधान का कह सकते हैं कि जिन लोगों ने निर्माण किया था उनके विचार क्या थे, अर्थात वे भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे, तो उनके विचारों को जानने की ये कुंजी है, यानी कि ये उनके विचारों को जानने की कुंजी है। तो कुंजी भी कहा गया। फिर कहा गया कि सामान्यतः उद्देशिका का, यही ज़्यादा ये सौर जे में पूछा जाता है जो लाइन बताया जा रहा है, सामान्यतः उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में या संविधान की व्याख्या में, संविधान के इंटरप्रटेशन में कोई महत्व नहीं होता। फिर याद रखिए, सामान्यतः उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में कोई महत्व नहीं होता। यदि संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं, असंदिग्ध हैं, तो उद्देशिका का सहारा लेकर उसका इंटरप्रटेशन नहीं किया जा सकता। तो फिर क्वेश्चन आया कि आखिर उद्देशिका काम कब करेगी, तो इसको अच्छे से तैयार रखिए। यदि संविधान की भाषा संदिग्ध है कहीं या अस्पष्ट है, यानी कि संविधान की भाषा कहीं अस्पष्ट है या संदिग्ध है, तो उद्देशिका का सहारा लेकर उस संदिग्धता को, उस अस्पष्टता को दूर किया जा सकता है। फिर बताया गया उद्देशिका न तो सरकार को शक्ति प्रदान करती हैं और न ही सरकार की शक्तियों को सीमित करती हैं, यानी कि प्रियम्बल न तो सरकार को पावर देती हैं और न ही सरकार के पावर को आपका लिमिट में रखती हैं, सीमा में रखती हैं, न ही प्रतिबंधित करती हैं। ये जितने वाक्य बताए गए, फिर एक बार मैं बता दूं आपको, इन वाक्यों को अच्छे से आप तैयार रखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन देगा और ऑप्शन में आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सही हैं और कौन गलत हैं। तत्पश्चात जो उद्देशिका के बारे में अगला केस हम देखें, अगला केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1965 का केस है। और इस केस में आपका जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, जस्टिस कह सकते हैं कि गजेंद्र गढ़कर जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने क्या उद्देशिका के बारे में बताया, इसको भी याद करना पड़ेगा। इन्होंने ये बताया कि उद्देशिका संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है, यानी कि प्रियम्बल जो है ये संविधान की विशेषताओं का, संविधान की विशेषताओं का ये निचोड़ हैं। इसका मतलब निचोड़ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान की जो भी विशेषताएं दी गई हैं, आप अगर चाहते हैं उन विशेषताओं को देखना तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप केवल प्रियम्बल ही पढ़ लें तो ऐसी दशा में आप संविधान की विशेषताओं को पूरी तरह जान सकते हैं। फिर आपका अगला केस आता है जिसमें प्रियम्बल के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई, वह केस आता है आईसी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब,
यानी कि फिर जो केस आता है आपका आईसी गोलकनाथ वर्सेज, कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ पंजाब। आईसी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य। इस केस को अच्छे से तैयार रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये केस 1967 का है, उच्चतम न्यायालय का है, कुल जजों की संख्या जो पीठ बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में ये भी पूछा जा चुका है, कुल 11 जज थे, 6-5 से निर्णय आया ये भी पूछा जा चुका है। इसमें मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, CJI कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो जस्टिस सुब्बा राव जो थे वो चीफ जस्टिस थे। इसमें आपका इसमें जो निर्णय आया वह निर्णय की तारीख पूछी जाती है, 2-3 बार निर्णय की तारीख पूछी गई है। निर्णय की तारीख 27 फरवरी, इसको ज़रूर याद रखेगा, 27 फरवरी 1967 में निर्णय आया, ये डेट याद रखिएगा। फिर आपका निर्णय ये आया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात संसद पार्लियामेंट मूल अधिकारों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये तो मूल अधिकार में बताया जाएगा, लेकिन प्रियम्बल के बारे में जस्टिस सुब्बा राव ने क्या कहा, ये हमें एक लाइन देखना है। जस्टिस सुब्बा राव ने प्रियम्बल के बारे में यह कहा कि उद्देशिका संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, यानी कि उद्देशिका संविधान के मुख्य आदर्शों का उल्लेख करती हैं एवं आकांक्षाओं का भी उल्लेख करती हैं, आकांक्षाओं का उल्लेख करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान निर्माता क्या अपेक्षा किए थे, क्या इच्छा जाहिर किए थे, वह भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे, भारत का शासन कैसे चले, इस बारे में वे क्या सोचते थे। अगर उनके विचारों को जानना है तो उद्देशिका से अच्छा कोई प्रावधान नहीं हो सकता। तत्पश्चात जो लास्ट केस आता है प्रियम्बल पर, उसको भी अच्छे से तैयार रखना है, उसको भी बता दिया जाए और तब प्रियम्बल शुरू किया जाए। जो प्रियम्बल पर लास्ट केस आपको पढ़ना है, आपका कह सकते हैं केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, याद रखिएगा केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य का केस आता है। ये जो केस है आपका 1973 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। कल हम डिटेल में इसको बताए थे, इसमें क्या निर्णय आया प्रियम्बल के बारे में वह केवल जानना है, इसकी विशेषताओं को हमने कल बताया था। देखिए इसमें क्या निर्णय आया, बेरुबारी के केस में निर्णय दिया गया था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बेरुबारी में दिए गए निर्णय को केशवा
केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सेटेसाइड कर दिया, अपास्त कर दिया, उलट दिया और ये निर्णय दिया कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा, उद्देशिका में एमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि उद्देशिका के मूलभूत ढांचे में अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीन बातें याद रखिएगा। आइए अब हम प्रीएम्बल को शुरू करते हैं एक एक शब्दों को। फिर आपको सलाह दी जाती है कि प्रयास ये करिए कि प्रीएम्बल को वर्ड वाइज याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि उद्देशिका को बताइए या उद्देशिका को सुनाइए। तो आपका उद्देशिका एकाएक शब्दों को तोड़ा जा रहा है। पहला जो शब्द है अगर प्रीएम्बल का देखा जाए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जब भी ये शब्द वी द पीपुल ऑफ इंडिया पढ़िएगा, इसी के साथ आपका कह सकते हैं कि सबसे लास्ट लाइन पढ़ना है जो दिया है कि दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अधिनियमित किया करते हैं। इसके बाद अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित, इसके बाद अंगीकृत और इसके बाद आत्मार्पित। यहाँ से भी इंटरव्यू में पूछा गया है, आत्मार्पित करते हैं। तो पहले वी द पीपुल ऑफ इंडिया देखा जाए, इसको जब भी पढ़िए, यानी कि जब भी पहला शब्द पढ़िए, आप, मैं फिर बता दूँ, इसको आप नीचे वाले प्रावधान से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, इसका तमाम मतलब होता है। आइए एक एक करके आपका देखा जाए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि संविधान का जो स्रोत है वह हम भारत के लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का निर्माण किसी विदेशी ने नहीं किया, बल्कि हम भारत के लोगों ने किया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया है, अर्थात कह सकते हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी कि संविधान सभा ने, भले ही भारत माने संविधान सभा में भले ही भारत के की पूरी जनता भाग नहीं ले रही थी, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग ले रहे थे, निर्माण किए, लेकिन हमारा प्रीएम्बल ये बता देता है कि इस संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है, यानी कि इस संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है। यानी कि हम भारत के लोग का मतलब ये भी हुआ कि जो सावरेंटी है, जो ताकत है डेमोक्रेसी में,
वह हम भारत के लोगों में बसती हैं, अर्थात संप्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। और हम भारत के लोगों ने ही, ये भी याद रखें, हम भारत के लोगों ने ही इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया है, अंगीकृत किया है और आत्मार्पित किया है। यहाँ से शब्दों को पकड़िए, एक एक शब्दों को। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने इसे अधिनियमित किया है, एक्टेड किया है। पहले ये समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान एक एक्ट है, अधिनियम है। अधिनियम का मतलब ये हुआ कि एक कानून है और इस कानून का निर्माण किसी विदेशी ने नहीं किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि इस कानून का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है। अर्थात भारत का संविधान अधिनियमित है, अर्थात एक्टेड है, अर्थात कह सकते हैं कि यह एक कानून है। अब समस्या ये आई, तो कानून दो प्रकार का सामंड ने कानून को बांटा है। सामंड महोदय जो विद्वान हैं, इन्होंने कानूनों को दो वर्गों में बांटा है। एक एपेक्स कानून यानी कि सर्वोच्च कानून और दूसरा सबॉर्डिनेट लॉ यानी कि अधीनस्थ कानून। तो जो भारत का संविधान है ये बता दिया जाए, ये कानून है और भारत का सबसे बड़ा कानून है, ये एपेक्स लॉ है। या यदि आप जुरिस्प्रूडेंस में देखें तो हेंस केल्सन, अगर आप जानते हैं तो हेंस केल्सन ने ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत दिया। ग्रैंड नॉर्म का मतलब मूल मानक। तो हमारा देश किस कानून से चलेगा, इसी मूल मानक से चलेगा, अर्थात संविधान से चलेगा। आगे बताया जाएगा इसको। और दूसरा शब्द है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब ये हुआ कि अपने अंगों से लगा लिया, अंगों से। अब ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने और भारत के लोगों ने। तो आपका जवाब रहेगा, संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकृत किया है। अंगीकृत का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, या कह सकते हैं अर्थात हम भारत के लोगों ने इस संविधान सभा को कह सकते हैं कि अपने शरीर से लगा रखा है, एक एक अंगों से लगा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग जो भी कार्य करेंगे वह रूल ऑफ लॉ के अनुसार करेंगे, संविधान के अनुसार करेंगे, क्योंकि इस संविधान को सभी भारत के लोगों ने अंगीकृत किया है। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि संविधान किसको समर्पित है, आत्मार्पित किसको है। तो स्पष्ट लिखा गया है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को आत्मार्पित किया है। आत्मार्पित का मतलब ये हुआ अपने को अर्पण करना, अपने को अर्पण करना यानी कि अपने को समर्पित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संविधान को हम भारत के लोगों ने अपने को समर्पित कर दिया है। इस समर्पित का मतलब ये हुआ कि अपने को अर्पित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी कार्य करेंगे इस संविधान के अनुसार करेंगे।
तो क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान किसको समर्पित है। तो आप संविधान सभा राष्ट्रपति न मार दीजिएगा, संविधान हम भारत के लोगों को समर्पित हैं, अर्पित हैं। आइए इसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात है, इस विषय पर दो तीन केस भी देखने हैं। देखिए, हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि ये सामूहिकता का प्रतीक है, किसी एक व्यक्ति का प्रतीक न होकर ये सामूहिकता का प्रतीक है। हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि जो सॉवरेंटी है, जो आपका संप्रभुता है, वह हम भारत के लोगों में निवास करते हैं। संप्रभुता अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, डेमोक्रेटिक देश में जी रहे हैं। हम जिसे चाहें वहीं हम पर शासन करेगा और जिसे हम चाहें शासन से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अब ये आया कि जो सॉवरेंटी होती हैं, संप्रभुता होती हैं, वह भारत में किस में निवास करती हैं, संप्रभु भारत में कौन है। इसके लिए आपको पहला तो एक उदाहरण दिया जाए आप लोकपाल का। देखिए, आपका इस उदाहरण को देखिए, लोकपाल पर उदाहरण का देखिए, तब आपका केस सहित शुरू किया जाए। जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि हमें जन लोकपाल चाहिए, यानी कि सरकार जन लोकपाल का कानून पारित करे, तो कई नेताओं और अन्ना हजारे बार बार कह रहे थे कि ये जो मंत्री हैं, सरकार हैं, सांसद हैं, ये नौकर हैं और मालिक जनता है, यानी कि ये सेवक हैं, नौकर हैं, मालिक तो हम भारत के लोग हैं। और यही बात नेताओं को पची नहीं, यानी कि उनके कह सकते हैं कि दिमाग में नहीं बैठी, और तमाम नेता अन्ना हजारे को पागल तक कह डाले, ये तो पागल हो गया है, इसे रांची भेजा जाए पागल खाने या आगरा भेजा जाए। लेकिन जो अन्ना हजारे ने कहा था कि जनता मालिक हैं और आप लोग नौकर या सेवक हैं, वह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमारा संविधान बताता है कि जो सॉवरेंटी हैं, हम भारत के लोगों में समाहित हैं। जनता ने 5 साल बाद मौका मिला जनता को तो अपनी ताकत दिखाई, और आप लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस की सीटें आपका केवल 44 रह गई और मोदी जी पीएम बन गए, एक आपका अन्ना हजारे ने कहा। अब ये है कि संप्रभुता किस में निवास करती है, भारत में संप्रभु कौन है। इस विषय पर आपको दो केस अच्छे से याद रखना है। पहला हम केस बता रहे हैं जो एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता ये पिछली बार यूपी सिविल जज की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसपी गुप्ता ये अच्छे से तैयार रखिएगा, क्वेश्चन का मॉडल मैं बता दूं। एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात भारत संघ, इस पर क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, थोड़ा अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। ये 1982 का केस है, 1982। देखिए, पहले तो इसमें बता दिया जाए वी द पीपल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि सॉवरेंटी यानी कि जो संप्रभुता है, जो सम
प्रभुता हैं, ये भारत के लोगों में निवास करती हैं। और उच्चतम न्यायालय ने इसी शब्द की व्याख्या करके बताया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। फिर ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है, अलग व्यू भी देखा जाए। पिछली बार यूपी सिविल जज में पूछा गया था कि किस केस में 7 जजों की पीठ बैठी थी, एसपी गुप्ता का मारिएगा। फिर पूछा गया एक बार कि कितने से निर्णय आया, तो 4-3 से आया। फिर क्वेश्चन आपका बना कि उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र का मामला किसे कहा जाता है, अर्थात स्थानांतरण। स्थानांतरण का मामला भी इसे कहा जाता है। फिर आपका पूछा गया है कि लोकहितवाद यानी कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का जन्म किस केस में हुआ, तो आप SP गुप्ता मारेंगे। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि लोकहितवाद को किस केस में परिभाषित किया गया। अगर ये क्वेश्चन बने कि किस केस में परिभाषित किया गया, तो SP गुप्ता ही मारना है। और फिर मुख्य न्यायाधीश भी पूछा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस में कौन थे, तो जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती भगवती थे, ये भी याद रखना है। ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। SP गुप्ता, देखिए एक लाइन PIL के बारे में बता दिया जाए। देखिए PIL की उत्पत्ति पूछा गया था कि किस देश में हुई थी, तो PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की उत्पत्ति आपका अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के बाद यह इंग्लैंड में गया, इंग्लैंड में भाई इसको सपोर्ट किया गया। फिर भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1982 ईस्वी में SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में लोकहितवाद की परिभाषा दी और भारत में मान्यता भी प्रदान की। एक व्यंग कसा जाता है, वह देखिए यहाँ। व्यंग में यह कहा जाता था कि न्यायालय और ताज होटल तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन उसमें जाता वही व्यक्ति हैं जिसकी जेबें भारी हो। यानी कि न्यायालय भी सबके लिए खुला है, लेकिन न्याय कौन पा पाता था, जिसके पास पैसा हो। दूसरा आपका ताज होटल भी सबके लिए खुला है, लेकिन ताज होटल इतना महंगा है कि जिसके जेब में ज़्यादा पैसा हो वहीं जा सकता था। यानी कि एक चाय की कीमत 500 रुपये है, तो भाई वहीं जाएगा जिसके जेब में पैसा हो, नहीं तो 5 रुपये की चाय बाहर ही पी के संतोष कर लेगा। अब समस्या ये है कि भाई व्यंग में यह कहा जाता था कि न्यायालय और ताज होटल सबके लिए खुले हैं, लेकिन उसमें जाता कौन है, जिसकी जेब भारी हो। तो क्या जो गरीब हैं, निर्धन हैं, बंधुआ मजदूर हैं, जो कह सकते हैं कुचला वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, जो भूखे मर रहा है, अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि न्याय मिलेगा और PIL से मिलेगा, लोकहितवाद से मिलेगा, इसमें कोर्ट फीस देनी नहीं है। और समाज का कोई भी व्यक्ति लोकहितवाद दायर कर सकता है और न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उचित आदेश पारित कर सकते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण, एक एक मिनट और बता दिया जाए। आप लोग मनोज पांडे
सर की क्लास ले रहे हैं तो भाई तमाम कोचिंगों में 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख फीस रखी गई है। तो इसी व्यंग को विफल करने के लिए मनोज पांडे सर ने न्यूनतम शुल्क रखा है, ताकि जो गरीब हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, दूर दराज के लोग हैं, जो गांव में निवास करते हैं लड़के, तैयारी की इच्छा रखते हैं, वह भी सिविल जज और एपीओ की तैयारी कर सकें। इसीलिए मनोज पांडे सर ने टेलीग्राम चैनल शिवमला क्लासेज पर भी बिना किसी शुल्क के ऑडियो भेज रहे हैं और आज भी बिना किसी शुल्क के ऑडियो भेजा जा रहा है, ताकि गरीब, दुखी, निर्धन व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। तो एसपी गुप्ता के बाद जो केस आता है वह आपका केस है, कह सकते हैं माधवराव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए अच्छे से इस केस को भी याद रखिएगा, केस पूछा जा चुका है जे में, जीएस में भी पूछा जा चुका है, जो दूसरा केस बताया जाएगा उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा है आपका केस माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ का केस है। ये केस 1971 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें आपका इस केस का उपनाम कई बार पूछा गया है, प्रीवी पर्सवाद। ये उपनाम भी हर हाल में याद रखना है। जैसे कि पिछले केस को हमने बताया था एसपी गुप्ता के केस को कि जज ट्रांसफर मैटर, उसी प्रकार माधव राव सिंधिया का जो केस है उसे उपनाम है प्रीवी पर्सवाद। इसको समझिए, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय आप देखें तो तमाम राजा महाराजे थे, रियासतें थीं। सबसे पहले ये करना था कि छल बल कल और लालच देकर किसी तरह भारत को एक किया जाए, यानी कि सभी रियासतों और प्रांतों को एक में रखा जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोर्चा संभाला और आप जानते हैं कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। उनके प्रयासों से भारत का एकीकरण संभव हुआ। तत्पश्चात जो राजा महाराजा थे उन्हें लालच दिया गया था, ये लालच दिया गया कि आप भारत में बने रहिए और आपको सालाना इतना पैसा, इतना धन भारत सरकार देगी। अब ये हैं कि आपका समस्या ये आई कि अब तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, लोकतंत्रात्मक भारत एक राज्य है, ऐसी दशा में ये राजा महाराजाओं को थैली या धन या पैसा या थैली क्यों दिया जाए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको समाप्त किया, तो माधवराव सिंधिया चले गए सुप्रीम कोर्ट, मुकदमा हुआ, इसीलिए इस केस का उपनाम प्रीवी पर्स वाद कहा जाता है। इस केस में जो हमें प्रियम्बल से देखना है वह सब सपोर्ट करना है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने संप्रभुता को, सावरेंटी को दो वर्गों में बांटा। पहला एक लोकतांत्रिक संप्रभुता या लोकतांत्रिक संप्रभुता या डेमोक्रेटिक संप्रभुता, यानी कि कह सकते हैं कि लोकतंत्र
के हिसाब से अगर देखा जाए तब संप्रभु कौन है, और लीगल तौर पे हम देखें, विधिक तौर पर अगर हम सावरेंटी देखें तब कौन सावरेंट हैं। तो लोकतांत्रिक रूप से अगर पूछे तो संप्रभु आपका जनता है, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से संप्रभुता जनता में निवास करती हैं, जनता को मौका मिलता है प्रत्येक 5 साल पर, और जनता ये डिसाइड करती है कि उस पर कौन शासन करेगा। लेकिन अगर कानूनी रूप से, लीगल रूप से, विधिक रूप से देखा जाए तो संप्रभु कौन है, तो स्वयं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा संविधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछे कि लोकतांत्रिक रूप से संप्रभु कौन है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि हम भारत के लोग हैं, जनता हैं। और विधिक रूप से पूछा जाए तो हमारा संविधान स्वयं ही कानूनी रूप से संप्रभु है। धन्यवाद।